Let's welcome Sudesh as himself, Krishna as various characters, and Siddharth as Videshi girl. Welcome to Comedy Circus. Thank you. आप लोग बताएं प्रीति जी शिमला से और मैं भी शिमला से हूँ हाँ शिमला से. Really? Nice. You must be feeling like home ना today. Absolutely. क्योंकि आपके बगल में इतना बड़ा पहाड़ जो बैठा है मेकअप का. But genuinely, प्रीति जी आपको एक compliment देना चाहता हूँ मैं. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी एक्ट्रेसेस हैं, I think you have the best smile. Thank you. We love your dimples. है अर्चना जी कैसा लग रहा है इतने सारे स्टार्स आ रहे हैं हमारे शो पे है सारों के बीच में अच्छा लग रहा है पिछले हफ्ते परमित जी के कंधे पर बैठकर रोने लगी कहती परमित तुम्हें पता है आज मैं अक्षय से मिली आज मैं अक्षय से मिली ये तो कुछ भी नहीं है अभी बाहर परमित जी को फोन किया इन्होंने बोले प्रीति आ रही है तो साथ में बैठी एक फोटो खींच लेना हम लोग फ्रिज पे लगाएंगे परमित जी बोलते कोई बात नहीं फोटो तो मैं खींच लूंगा लेकिन फ्रिज कहाँ से लाएंगे और सर कैसे हैं आपको पता अर्चना जी सुरेंद्र हमारी फौज में था पहले एक दिन मेरे पास आया कहने लगा आपको बताए चांद से नीचे अर्थ पे देखो तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नजर आता है मैंने बोला हमें क्या पता हम तो चाइनीज है हमें ऐसे चांद नजर नहीं आता खैर अर्चना जी आप सोच रहे होंगे मैं चाइनीज होके हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ मुझे पता था जब ये मंत्रा 100 एपिसोड ऐसे ही निकाल सकता है तो मैं एक भी एपिसोड में हिंदी नहीं बोल सकता खैर यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी वार्निंग दी गई है बहुत सारे घुसपैठी आते हैं कोई भी आए उसको उड़ा दो बंद कर बे हट हट कौन है वहां पे कोई नहीं अरे बकवास करता है गोली मार दूंगा मैं तुझे आप मुझे गोली नहीं मार सकते मेरे 17 बच्चे भूखे मर जाएंगे और वैसे भी आप मुझे नहीं मार सकते मैं निहत्था हूं मेरे पास हथियार नहीं है अरे हथियार होता तो भी कुछ नहीं कर पाता सारी एनर्जी तो 17 बच्चों में वेस्ट कर दी तूने या क्या या एक बार माफ कर दो अरे ये बताएं यहाँ क्या करने आया तू दरअसल मेरी माँ बहुत बीमार है अच्छा और मुझे बाबा जी ने कहा है अगर 11 बार सच्चे दिल से मसाज करवाएगा मम्मी ठीक हो जाएगी अबे तो मसाज करवाने चाइना क्यों है बैंकॉक जाना तो मम्मी को क्या पता मैं कहाँ से करवा रहा हूँ साला बकवास करता है माँ के नाम पे आज मैं तुझे ऐसी ऐसी सजा दूंगा जिंदगी भर पछताएगा तू बोल बोल प्रीति मेरी बहन है गोली मार दे बोल प्रीति मेरी बहन है साले बहन होगी तेरी मेरी तो बेटी जैसी है एक मिनट मुझे आज भी याद है छोटी सी होती थी माल रोड पे चॉकलेट लेने ऐसे घूमती मैं इसको ऐसे बड़ा प्यार ओ मेरा बच्चो ओ मेरा चूना मुन्ना ये डिंपल मैंने डाले ऐसे ऐसे करके थैंक यू बकवास बंद कर मैं तुझे गोली मार दूंगा हेलो सर आपको क्या हुआ अरे गोली मुझे लगी है तो फिर मेरा क्यों आग करा रहे हो हेलो सर ये उल्टी बंदूक कैसे चलेगी अरे चाइनीज बंदूक है पता नहीं गोलियां कहां से निकलती है एक काम करो मेरी बीवी से बात करवा ओके हेलो बिल्लो तो कहती है ना जवान पति चाहिए अबे तेरी बीवी से नहीं मेरी बीवी से बात करवा ठहर जा बोल मैं मर रहा हूँ क्या हुआ मिस कॉल कर दी मैंने आता ही होगा अबे साले मैं मर रहा हूँ तुझे मिस कॉल की पड़ी है हेलो आपका पति मर रहा है यार एक तो तेरा पति मर रहा ऊपर से मुझे चढ़ा रही थी हेलो ये बात ओ हाय हेलो ये आप में जान कैसे आ गई अरे प्रीति को देखकर तो मुर्दों में भी जान आ जाती है क्या हेलो ये प्रीति जंटा जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मुझे सबने बताया कि आप शिमला की लड़की हैं तो शिमला साहब खुद नहीं आए हेलो अबे शिमला जगह का नाम है तो बताओ ना सर फिर ऐसे थोड़ी आप बात एक्चुअली पता क्या है कि शिमला के और भी काफी कलाकार हैं ये हमारा कृष्णा भी जो अभी खड़ा मेरे साथ काम करता है छोटा ये भी शिमला का है आप यकीन नहीं करेंगे वहां के लोग देखें इतनी सर्दी और ऐसे चल रहे हैं मैं कह ये क्या कर रहे हो इतनी सर्दी है यहाँ पे तो लोग सुकड़ के चलते हैं आप अकड़ के क्यों चल रहे हो कहते अकड़ेंगे प्रीति जंटा यहाँ की है मैं कह जोरदार तालियां बजाओ भाई कमाल है मैं देहरादून में भी गया था अर्चना जी वहां लोग ऐसे से घूम रहे मैं कह इतने शर्मिंदा क्यों हो रही हो कहते अर्चना यहाँ की है पूछ रही है ना देहरादून की आप हाँ जी वहीं की है नहीं होता ना हाय हाय सोहेल साहब आप बहुत खुश हो रहे हो मैं बांद्रा भी गया था ये वहां खड़े थे और सलमान खान जी ना ऐसे बंदूक ले गए ऐसे इनके सामने मैं कहा सर ये क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो कहते इसने मुझे भी बोला था शेर खां बना रहा हूं मैं आपको बताऊं प्रीति जंटा जी मैं ना
इसी लाइन में मैं भी हीरो बनना चाहता था तो क्योंकि हमारा एक ग्रुप था सलमान आमिर खान ये सब नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो हमारा एक ग्रुप था सब मिलके इनकी फिल्में देखते थे लेकिन मैंने बाद में कैंसिल कर दिया मैं कहा नहीं यार हीरो बन के स्टार बंदा बन जाए भाई दी वे तो बड़ी मुश्किल होती खुला बंदा घूम नहीं सकता कहीं भी जा नहीं सकता हम तो खुला घूमने वाले कहीं भी खड़े हो जाओ क्योंकि हर बंदा चिंकी पांडे जैसी किस्मत नहीं लाता कि बंदा हीरो भी बन जाए और पहचान भी ना हो तेरी माता साकी नाका मेरा मामा चीची मामा चिकिन चाओ चाओ ओ माया यो है एक मिनट जरा ये 500 का नोट जो आपने मुझे बाहर दिया वापस कर दूंगा नहीं इन्होंने मुझे दे दिया कहते जिन्होंने सिखाई है उनके पैसे बनते ही यार ये थोड़ी हो गई हां लोगी ओ इंडियन इंडियन या ओ चुची उनी ये क्या कर रहे हो मसाज मैंने तो बोला भी नहीं मसाज हमको पता इधर इंडियन लोग क्या कराने को आता है ए बकवास नहीं करी मैं एक बिजनेसमैन हूँ ओ बिजनेसमैन है चुची ये क्या कर रही हो हमको पता है इधर बड़ा बड़ा बिजनेसमैन क्या क्या करने को आता है अच्छा पहले खाने को मिलेगा कुछ भूख लगा है अरे कोई बात नहीं मेहमान ड्रैगन समान होता है के लिए दो कोबरा लेकर आओ मुझे भूख नहीं है लेकिन कोबरा को तो है ये क्या बात कर रहे हो हमारे पास बहुत स्पेशल आइटम है अच्छा हमारे पास लच्छा कोबरा है लच्छा कोबरा क्या होता है अब जब वो कोबरा ऐसा कुंडी मार के बैठता है ऐसे ही सेक देते हैं उसको यार ये क्या बकवास कर रहे हो अच्छा कोई बात नहीं हमारे पास मेंढक मसाला डोसा है चलो छोड़ो मुझे भूख ही नहीं यार ऐसा है कि कुछ बिजनेस की बातें हो जाएं कोई सामान है आपके पास सामान है हमारे पास क्या है हमारे पास चाइनीज सुरेंद्र है चलेगा ये तो इंडियन सुरेंद्र वहां नहीं चल रहा मैं आपको बताऊं मैंने पूछा एक दिन मैंने कहा आपके घर में सबसे छोटा कौन है कहता पापा मैंने कहा क्या मतलब कहता अभी तक मम्मी के साथ होता है यार ये क्या लोग हैं यार और कुछ है हमारे पास है 19,000 का वॉशिंग मशीन है 19,000 का वॉशिंग मशीन अरे इंडिया में 17,000 का मिल जाता है इंडिया से लाएंगे 2,000 भी नहीं कमाएंगे हमारे पास 7,000 का एरोप्लेन है 7,000 का एरोप्लेन और जो जो उसमें बैठेगा सबको 1,00,000 रुपया मिलेगा 1,00,000 वो कैसे अब जब क्रैश होगा मरने पे गवर्नमेंट सबको 1,00,000 देगा ऐसा करो कुछ पास ही है इसको लेके जाओ ये बहुत काम की है ये क्या क्या कर लेती है पूछो सुबह 4 बजे मुझे उठा दिया करोगी अभी लड़की चाहिए मुर्गा चाहिए तेरे को 4 बजे अरे बात है ना 4 बजे उठा दिया करोगी मैं 4 बजे तक सोने नहीं दूंगी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं मैं टैलेंटेड भी बहुत हूँ अच्छा हाँ मैं गाना गा लेती हूँ मैं डांस कर लेती हूँ मैं खाना बना लेती हूँ मैं बर्तन माँज लेती हूँ सब कर लेती हूँ अरे वाह इतना टैलेंट है तो तुम क्यों नहीं रखते इसको झूठी बहुत है सर हम इसको फ्री में देगा अच्छा हाँ लेकिन हम वो इंडिया में प्रीति जिंटा है ना हाँ हाँ उसका बहुत बड़ा फैन है अच्छा हाँ तो उससे मिला दो तो इसको इसे लेके जाओ इसमें क्या जोरदार तालियां अभी मिला देते हैं बजाओ भाई सोहेल स्टार्ट विद यू ये चीनी यात्रा आपको कैसी लगी 100% धमाल एंड फॉर दैट आइए शिमला की लड़की से पूछते हैं प्रीति हाउ डिड यू लाइक इट कहते हैं कि अगर इंसान हंसे तो हमेशा यंग रहता है तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट वे टू स्टे यंग यार इस कुर्सी पे जमे रहो हिलो मत बट इट वाज रियली वेरी वेरी नाइस वेरी एंटरटेनिंग थैंक यू और अब देहरादून से बात करते हैं अर्चना कॉमेडी सर्कस जो एक शो बन गया है जो 6ठे साल में अब चल रहा है उसका एक कैरेक्टर है उसकी एक फैन फॉलोइंग है और उस कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुदेश और कृष्णा आप दोनों की कॉमेडी है सिद्धार्थ यू आर अ वेलकम एडिशन टू दिस टीम लेकिन कृष्णा एंड सुदेश यू आर सुपर 10 points थैंक यू